जीत कर पहले बल्लेबाजी करनी होती। न्यूजीलैंड टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए थे। इसके बाद इंग्लैंड ने भी पूरे 50 ओवरों में 241 रन ही बनाए। इसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया और उसमें भी दोनों टीमों के स्कोर बराबर हो गए, मगर ज्यादा बाउंड्री लगाने के कारण कप इंग्लैंड की झोली में चला गया। वहीं जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान ईयन मॉर्गन ने कहा, केन और उनकी टीम के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे लगता है कि आज का मुकाबला बेहद कड़ा रहा। इस तरह की पिच पर खेलना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन आखिरकार हमने कर दिखाया। हम बहुत खुश हैं कि आज हम ये ट्रॉफी हाथ में उठा सके। मॉर्गन ने अपने साथी खिलाड़ियों को इस जीत का श्रेय दिया और कहा कि ये कड़ी मेहनत से संभव हो सका। वहीं हारने वाली टीम न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, हम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप फाइनल के लिए 240-250 रन काफी होंगे। ये बेहतरीन खेल रहा, इसमें हमारे लिए कई सकारात्मक चीजें रही। उन्होंने कहा, स्टॉक्स की दुर्घटनावश भी बाउंड्री अफसोसजनक रही। आप उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे वक्त पर ना हो। ऐसे में कहा जा सकता है वर्ल्ड कप हासिल करने के बाद मॉर्गन ने एक बड़ी बात बोल दी। वही केन विलियमसन ने हार के बाद भी अपना दिल खोल दिया और अपनी हार का कारण भी बता दिया। आपको ये खबर कैसी लगी, आप भी अपनी राय कमेंट कर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।